अस्सलाम वालेकुम, मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज यूनिट नंबर 4 डेसिमल एंड परसेंटेज करेंगे, जो न्यू बुक है सिंगल नेशनल करिकुलम क्लास 5th ग्रेड 5th का, जो मैथमेटिक्स है केबीके एंड पंजाब टेक्स्ट बुक। तो चलो एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है हमारे पास, इसमें यहाँ से आप देख सकते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चंस को। कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल यूजिंग करेक्ट सिंबल। ये जो सिंबल है, जिस तरह दायां बाजू इस तरह आप कर लेते हैं, ठीक है, तो ये ग्रेटर देन, और ये जो बाएं बाजू का जो सिंबल है ये स्मॉलर देन, और ये आर इक्वल टू। जब दो चीज़ें आप इस तरीके से रख लेते हैं, ये जो सिंबल है इसको कहते हैं इक्वल टू, और ये जो सिंबल है ये हमारे पास ग्रेटर देन आ गया, और इसी तरह ये जो सिंबल है ये लेस देन, जो बाएं बाजू का जो सिंबल है ये स्मॉलर देन। तो ये दो तीन सिंबल जो हैं इसको हम बहुत डिटेल के साथ यहाँ पर करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 0.4 और 0.5। तो इसमें हमारे पास जो पहला पार्ट है, ए पार्ट, यहाँ पर आप देखेंगे कि 0.4 और 0.5 है। तो देखो इसका दोस्तों जो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, यहाँ पर भी एक ही हिंसा है, तो यूनिट का हिंसा आप देखें ज़ीरो, ये तो यहाँ पर भी ज़ीरो, यहाँ पर भी ज़ीरो, तो वन्स। ये जो सॉरी एक चीज़ आप को बताते चलें कि 12.1 ये वन्स है, ये टेंस है, वन्स यानी यूनिट से और फिर टेंस, लेकिन ये टेंथ है, पॉइंट के बाद जो हिंसा दसवां, यानी पॉइंट के बाद अगर आप एक हिंसा तो ये दसवां आ जाता है, फिर सोवां इस तरह, यानी टेंथ हंड्रेड। तो यहाँ पर जो अगर टेंथ का है हिंसा आप देखें तो ये 5 है और ये 4 है, तो 4 इससे क्या है, ये लेस है, तो लिहाजा 0.4 हमारे पास क्या है, ये लेस, और लेस का जो सिंबल है मैंने आपको बताया था कि बाएं बाजू का जो सिंबल है इसको आप लेस समझें, और राइट बाजू आर्म जो है उसका जो सिंबल है वो ग्रेटर देन। तो इसी तरह अगला जो पार्ट है हमारे पास यहाँ पर 1.3 और 1.6, अगर आप देख लें तो यहाँ पर भी 1, यूनिट का हिंसा 1 है। नेक्स्ट आप ये टेंथ के हिंसे को देखें, इसका ये 1.3 है और ये 6, तो ये उससे क्या है, ये लेस है, तो लिहाजा इसमें भी हम ये सिंबल लगा देते हैं यहाँ पर इस क्वेश्चंस के अंदर। अगला जो तीसरा पार्ट है हमारे पास 34.56 और ये 35. तो अब देखें दोस्तों, हम जो यूनिट का हिंसा है वंस पर टेंस, अगर आप देखें वंस का हिंसा आपके पास यहाँ पर 5 है और यहाँ पर ये आपके पास क्या है 4 है, लेकिन सबसे पहले अगर आप टेंथ, ये दोनों जो है ना टेंथ का हिंसा आप देखें, ये भी 3 है ये भी 3 है, तो बराबर हो गया। अब आपने यूनिट के हिंसे पर आना है इसके बाद, तो ये 4 है और ये 5, तो लिहाजा ये इससे 4 क्या है, ये लेस है, तो इसलिए हम लेस देन, यानी 34 है और दूसरी तरफ 35 है, ठीक है, तो 34 हमारे पास वैसे भी ये क्या है, लेस है 35 से, लिहाजा हमने ये सिंबल लगा दिया। अगले क्वेश्चंस में आप देखें अगले पार्ट में, तो ये 6.67 और ये 6.69, तो ये 6 यहाँ पर जो यूनिट का हिंसा है ये दोनों बराबर हैं। आगे आप जो टेंथ और हंड्रेड का हिंसा, दसवां और सोवां हिस्सा है उसकी तरफ जाएं, तो उसमें सबसे पहले आप दसवां हिस्सा देखेंगे जो टेंथ का है आपके पास, एक टेंथ होता है और एक टेंथ यानी दसवां, तो ये भी 6 है ये भी 6 है, तो अगले आप हंड्रेड के हिंसे पर जाना है आपने, तो ये 7 है और ये आपके पास 9 है, उससे ग्रेटर है, तो ये 67 और ये आगे 0.67 और ये 0.69, तो लिहाजा ये हमारे पास ये भी उससे क्या है, ये लेस है। आगे हैं हमारे पास 0.45 0.45, ये दोनों हूबहू एक जैसे हैं, तो एक जैसे के लिए इक्वल यानी मसावात बराबर हैं, ये दोनों क्या हैं, बराबरी के लिए हम ये सिंबल लगा लेते हैं इक्वल टू, ठीक है, उर्दू में मसावी है इसको आप कह सकते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारे पास 23 और ये है 51, तो देखें
आपके पास यहाँ पर जो यूनिट का हिस्सा है वो सॉरी यूनिट टेंस का हिस्सा टू है और ये आपके पास फाइव है, तो जो फाइव वाला है वो डेफिनेटली हमारे पास ग्रेटर है। तो ये 23 है और ये 51, यानी इसके डबल से भी ज़्यादा। तो ये लिहाजा 23 हमारे पास 51 से ये क्या है, ये लेस है। तो लेस के लिए हम ये सिंबल लगा देते हैं, बाई बाजू वाला जो सिंबल है ये हमने लगा दिया इसके लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला इसमें है जी पार्ट, 71.2 है और ये 71.02 है। तो यहाँ पर दोस्तों अब आपने थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझना है। ये 71 ये तो यहाँ पर दोनों हिस्से ये इक्वल है, लेकिन अब पॉइंट के बाद जो दसवां हिस्सा है उस पर आपने सबसे पहले गौर करना होता है, जो टेंथ का हिस्सा है जो दसवां आपके पास। तो यहाँ पर जो पॉइंट के बाद जो टेंथ का हिस्सा है, टेंथ के बाद हंड्रेड का होता है, तो पहले हम इसको देखेंगे। ये 0.2 है और ये 0.0 है, तो डेफिनेटली 0.2 जो है ये 0.0 से वो क्या है, वो ग्रेटर है। आगे उसके साथ बेशक 2 है लेकिन वो हंड्रेड का हिस्सा है, 0 ये 0.2 है और वो 0.02 है। यानी यहाँ पर हम देखेंगे जो दसवां है टेंथ का हिस्सा सबसे पहले, हंड्रेड की तरफ बाद में जाएंगे। इधर अगर हम लगाना चाहें तो वैसे अनलाइक फ्रैक्शन हम 0 लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले अगर यहाँ पर देखें यहाँ जो पॉइंट के फ़ौरन बाद जो हिस्सा है उसमें से कौन सा ग्रेटर है, तो ये इसमें 2 ये ग्रेटर है उससे, तो लिहाजा ये नंबर उससे क्या हुआ, ग्रेटर। तो इसमें ग्रेटर दिन के लिए हम दाएं बाजू का जो सिंबल है हम ये लगाते हैं। आगे आप 6.06 और 6.1, तो 6 यहाँ पर ये इक्वल है। अब पॉइंट के बाद आते हैं, पॉइंट यहाँ पर पॉइंट के बाद 0 है और यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 है, तो 0 1 से क्या होता है, वो छोटा होता है, तो छोटे के लिए हम ये सिंबल लगा देते हैं लेस देन। लेस देन यानी बाएं बाजू का जो सिंबल है ये लगा दिया। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास 4.8 और ये है 4.80, तो 4 इक्वल है, आगे 8 और 8 भी इक्वल है। यहाँ पर अगर 0 नहीं है तो 0 आप डाल सकते हैं, तो लिहाजा ये जो क्वेश्चंस थोड़ा सा है, तो अगर आप लाइक फ्रैक्शन लाइक डेसिमल इसको बनाना चाहते हैं, यानी सिर्फ पॉइंट के बाद दो हिंसे टू डिजिट्स हो यहाँ पर भी 2, तो आप 0 लगा सकते हैं और इसकी वैल्यू आपके पास इक्वल आएगी। 0.8 और 0.80 की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल आती हैं, इक्वावेलेंट जिस तरह आपके पास, तो इसलिए आपने इक्वल, यानी अगर आप 0.8 लेते हैं और दूसरी तरफ 0.80 लेते हैं, तो अगर आप इन दोनों की कंपैरिजन करें तो ये 8/10 आ जाएगा और ये 80/100, अगर ये आप 0 इसके साथ कर लें तो 8/10 ये भी 8/10, ये दोनों बिल्कुल इक्वल हैं। फिर यानी जब आप सॉल्व करते हैं इससे जो वैल्यू आपके पास होती है वो बिल्कुल इक्वल आती है, तो दैट्स व्हाई 4.8 इज़ इक्वल टू 4.80, ये इसलिए इसके इक्वल है। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर, एसेंडिंग और डिसेंडिंग का ऑर्डर जो तरतीब है हमारे पास, ये जो क्वेश्चंस हैं इसको बहुत डिटेल के साथ करेंगे। तो अगले पार्ट, वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगले पार्ट का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट से बाकी जो ये वीडियोज़ हैं चैनल आइकन पर क्लिक करके आप तरतीब से इन वीडियोज़ को देख सकते हैं। वीडियो को एक बार लाजमी लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।